ऑलराइट गाइस, स्वागत है पिक्सेल के नए ट्यूटोरियल एंड इस वीडियो में कुछ इस प्रकार फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर आ चुका है। एंड इस यह फोटो आपने इंस्टाग्राम जरूर कभी ना कभी जरूर देखा होता है, तो इसी को आज सीखेंगे। एंड इसके लिए सबसे बैकग्राउंड की जरूरत होगी, एंड बैकग्राउंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इजिली आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको पिक्सेल में शेयर कर लेते हैं। एंड शेयर हो जाने के बाद देखिए कुछ यहाँ पर ऐड हो गया है। एंड इसके बाद जाएंगे हम लोग ऐड फोटो पर, एंड यहाँ से क्लाउड पीएनजी को ऐड कर लेंगे। एंड क्लाउड पीएनजी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इजी चेकआउट कर सकते हैं। देन इसको जूम आउट करके कुछ यहाँ पर एडजस्ट कर लेना होगा, देखिए कुछ यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है। देन इसके बाद देखिए एडजस्ट में जाएंगे, एंड यहाँ से हाईलाइट को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। एंड देख लीजिए कुछ इतना इंक्रीज करते हैं। एंड शेडो को भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, एंड कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। देख लीजिए कुछ आपको भी इतना इंक्रीज करना है। ब्राइटनेस को छोड़ देते हैं इतना, और टेम्परेचर यहाँ से फोटो को डन करते हैं। देन इसके बाद देखिए कुछ जूम आउट करके सेट करते हैं। एंड इसके बाद फिर से एड फोटो पर जाएंगे, एंड इस बार मॉडल पीएनजी को ऐड कर लेंगे। एंड मॉडल का बैकग्राउंड पहले से किस तरह इरेज करते हैं, इसके पहले से वीडियो बना कर रखा हूँ, वहाँ से इजीली चेकआउट कर सकते हैं। देन इसके बाद जूम आउट करके क्लाउड के ऊपर यहाँ पर एडजस्ट कर लेना होगा। देन इसके बाद देखिए कुछ आपको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना होगा। देन इतना हो जाने के बाद देखिए कुछ मेरा फोटो इस प्रकार हो गया। एंड इसको मॉडल को एडजस्ट करके इरेज वाला ऑप्शन पर जाएंगे, एंड इरेज को सिलेक्ट करेंगे। एंड हॉर्नेस और साइज को देख लीजिए कुछ इतना इतना आपको भी रख लेना होगा, देख लीजिए कुछ इतना रख लेना होगा। एंड पैंट के नीचे यहाँ पर बॉर्डर के आसपास में ड्रॉ करना होगा। देखिए जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ उसी प्रकार आपको भी करना होगा, एंड इसको पूरी तरह कर लेना होगा। देन इतना हो जाएगा, फोटो को डन कर लेते हैं। एंड फिर से एड फोटो पे जाएंगे, एंड इस बार फिर से क्लाउड पीएनजी को ऐड करेंगे। एंड यह क्लाउड पर दूसरी क्लाउड पर है, एंड इस क्लाउड पीएनजी को देखिए कुछ इस वाले पीएनजी को राइट साइड में यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, एंड जूम आउट करके मूव डाउन कर देंगे। एंड देख लीजिए कुछ अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। एंड इस पीएनजी को लेफ्ट साइड में यहाँ पर रख कर एडजस्ट कर लेंगे, मूव डाउन कर देंगे। देन देख लीजिए कुछ इस प्रकार हो चुका है, एंड इस फोटो को डाउन कर लेते हैं। देन फिर से एड फोटो पर जाएंगे, एंड इस बार शेडो पीएनजी को ऐड करेंगे। एंड ये पेंजी में लास्ट पेंज है, एंड इस पेंजी को जूम आउट करके नीचे यहाँ पर एडजस्ट कर लेना होगा। देखिए कुछ आपको भी यहाँ पर एडजस्ट करना है। एंड इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करेंगे, लाइक कितना रखते हैं और थोड़ी सी कम कर लेते हैं। देखिए कुछ इतना आपको भी रख लेना होगा, अपने फोटो के हिसाब से रख लेना। एंड इसके बाद फोटो डन कर लेते हैं। देन इसके बाद थोड़ा सा टूल में जाएंगे, एंड एडजस्ट में थोड़ा सा जाएंगे। देन इसके बाद ब्राइटनेस को अपने हिसाब से और कॉन्ट्रास्ट को अपने हिसाब से देख लेते हैं। कंट्रास्ट को थोड़ा सा आप रख लेता हूँ, अपने फोटो हिसाब से देख लेना फ्रेंड्स। एंड हाईलाइट को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, देख लो कुछ इतना मैं कर लेता हूँ, थोड़ा सा कर लेते हैं। एंड शैडो को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, थोड़ा सा करेंगे बस। एंड टेम्परेचर को थोड़ा सा डिक्रीज ही करेंगे तो थोड़ा अच्छी लगेगा फोटो। एंड इतना फोटो को रन कर लेते हैं। एंड थोड़ा सा इफेक्ट्स टूल में जाएंगे, एंड यहाँ से सिंपल वाला में जाएंगे। सबसे पहले तो सिंपल वाला चूज कर लेते हैं। एंड यहाँ से कोई सा भी फिल्टर अच्छा लगे तो वो चूज कर सकते हैं, लाइक मेरे फिल्टर में मेरे फोटो में ये अच्छा लग रहा है तो इसे चूज कर लेते हैं। एंड इसके फेड को लगते हैं 90 के पास होते हैं लगभग, एंड ऊपर से मर्ज कर लेते हैं। देन फिर से सिंपल वाले में जाकर डोज के ऊपर क्लिक करते हैं, डोज के ऊपर। एंड इसका फेड को थोड़ा सा 80 के पास में लेके जाएंगे थोड़ा सा, एंड यहाँ से फोटो डन कर लेते हैं। एंड इस फोटो को रेडी हो चुका है, बिफोर आफ्टर दिखा सकते हैं। एंड इस फोटो को जल्दी से इजीली सेव कर लेते हैं, देखो सेव करते बिना देर के। एंड इस वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।